आईजी रेंज लखनऊ सुजीत कुमार पांडे बुधवार को वार्षिक निरीक्षण के लिए उन्नाव पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईजी सुजीत कुमार पांडे ने एसपी ऑफिस की जर्जर दीवारों को सही कराने के निर्देश दिए और कर्मचारियों से ऑफिस के कामकाज के बारे में भी जानकारी ली। अभियान चल रहा है और थाने की अपनी इंटरनल हमारी व्यवस्था जो रहती है उसके सुधार के क्रम में मैं जितने फोटोग्राफ्स मुझे भेजे गए हैं उससे बड़ा खुश हूं कि कम से कम थाना स्तर पर और पुलिस लाइन्स में स्वच्छता के ओर बहुत ध्यान दिया गया है। पुलिस ऑफिस में नेचुरली मुझे पहले भी बताया गया था कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है एंड इसमें थोड़ी और अभी सुधार की जरूरत है। मैं समझता हूं 15 दिनों में हम इसमें काम कर लेंगे। जहां तक क्राइम का सवाल है आप सहमत होंगे कि पिछले 6-7 महीने में बहुत अच्छे गैंग्स पकड़े गए। 2-3 घटनाएं मैं बता देता हूं, 2-3 घटनाएं जिसको आप इंगित कर रहे हैं, जो प्रमुख घटना नहीं वर्कआउट हो पाई थी वह थी पिछले साल नवंबर में, शायद मुझे अगर याद हो जो रोड सितंबर जब भी हुआ था वो 23 लाख की लूट हुई थी, वो हमारे लिए 2017 में थी, मुझे वो याद है। वो हमारे लिए अभी भी चैलेंज है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। वो प्रॉबेबली अकेला बड़ा केस ऐसा है जो अभी रेंज में नहीं वर्कआउट हो पाया है पिछले 1.5-1.75 साल का मैं देखूं तो, और मैं आपको फिर भरोसा दिलाता हूं कि हम उसे वर्कआउट करेंगे। दूसरी घटना अभी एक व्यापारी पर गोली चली थी कुछ दिन पहले, आप जानते हैं सभी उसको, नवाबगंज में। प्रॉबेबली हम उसे 1-2 दिन के अंदर उस घटना को वर्कआउट करके पूरे अभियुक्त को आपके सामने ले आने में सफल रहेंगे। दैट इज व्हाट आई कैन अश्योर यू कि हम यह कर ले जाएंगे। जो तीसरी घटना जिसकी ओर आपने इंगित किया, एक व्यापारी आ रहे थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा। एक एक्सीडेंट हुआ, एक तो व्यापारी की मदद की गई, पब्लिक ने मदद की, पुलिस ने मदद की, बाद में ये एक एलिगेशन आया कि उनका सोना गायब हो गया है और यह नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सोना ले गया। मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर रिपीट उसी बात को करूंगा, इसका एक ही उपाय था कि दोनों का नार्को टेस्ट कराया जाए अगर रेडी होते हैं। उसमें वो प्रॉबेबली रेडी नहीं थे, मेरी रिक्वेस्ट होगी उनसे कि वो अभी अपनी नार्को करा लें। जो जो सस्पेक्ट होते हैं पुलिस पब्लिक सभी में, वी गो हेड विद दैट। चौथी चीज है, अभी एक रेंज लेवल पर क्राइम टीम को काफी बड़ा किया गया है और एक बहुत बड़ा रीजन उसका है यहां आने का कि हमारी टीम्स काम कर रही हैं उन्नाव में एंड रायबरेली में, एंड आई एम वेरी होपफुल कि यह टीम यह कंबाइंड एफर्ट है सभी जिलों का कि हमें इसमें सक्सेस मिलेगा। इसी कारण से आया हूं, इट्स अ वेरी रेगुलर नॉर्मल विजिट जिस कारण से मैं यहां हूं। सर अभी बांगरमऊ में एक कार नहर में गिरी थी, उसमें व्यापारियों थे जो उनके परिजन थे, उन्होंने हत्या का आरोप लगाया था और साक्षी महाराज ने इसको लेकर शासन को पत्र लिखा था, क्या अब तक का मामले में कुछ जांच हो सकी? क्या अभी रिव्यू करूंगा, 16 मामले ऐसे हैं जिसको अभी जब हम पुलिस लाइन्स में जाएंगे तो मैं यह देखना चाहूंगा कि किसमें क्या कार्रवाई हुई है, सही गलत, सही है उसमें क्या कार्रवाई हुई है। उसमें एक मामला यह भी है, तो अगर आप उसके बाद मुझसे मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बता सकूंगा। बट अपार्ट फ्रॉम द केसेस जो 2017 के पेंडिंग रह गए हैं या शायद 2016 के होंगे और क्यों पेंडिंग है, इसे देखना एक बहुत बड़ा आज मेरा कार्य है जिसको मैं देखना चाहूंगा। 2018 के इम्पोर्टेंट केसेस जो है, वह जो पिछले 6 महीने में क्रिमिनल्स छूटे हैं उनकी क्या स्थिति है। अभी इसके एक मीटिंग की थी लास्ट सैटरडे अगर मुझे ठीक याद हो, जब सभी क्राइम ब्रांचेस को बुलाया गया था रेंज से, उसके बाद धरपकड़ बहुत तेज भी हुई है। आज 9 की क्राइम ब्रांच से अलग से बात कर रहा हूं है और ये जो 16 केसेस मैं कर रहा हूं इसको जरा रिव्यू कर